Good morning children, today we have to learn about animals and their babies. आप लोगों ने English के chapter में The Hungry Bear का story पढ़ा होगा और उसे सुना भी होगा. The Hungry Bear यानी भूखा भालू. भालू क्या होता है? एक जानवर होता है. तो जानवर लोग कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं. There are many types of animals. Wild animals, pet animals, domestic animals and water animals. Which are called wild animals? Example, lion, tiger, deer, bear, monkey, wolf. That is called wild animals. Wild animals जो होते हैं वो लोग जंगल में रहते हैं. Which are called pet animals? Pet animals किसे कहते हैं? जिस जानवर को हम लोग घर में ही रहकर पाल पोस सकते हैं उसे हम लोग pet animals कहते हैं. Example, dog, cat, rabbit. Parrot, that is called pet animals. Which are called domestic animals? Example, cow, buffalo, horse, goat, that is called domestic animal. Domestic animal means जो हमारे घर से अलग रहते हैं. That is called domestic animal. Which are called water animals? Water animals, example, fish, crocodile, shark, whale, फ्रॉग. दैट इज कॉल्ड वाटर एनिमल. यानी जो जानवर पानी में रहते हैं उसे हम लोग वाटर एनिमल्स कहते हैं. ओके, लुक एट दिस पिक्चर एंड सी दिस एनिमल्स एंड देयर बेबीज. डॉग, पप्पी, कैट, किटेन, काउ, काफ, बटरफ्लाई, कैटरपिलर, डक, डकलिंग, लायन, कब, कंगारू, जोई. सी दिस एनिमल एंड देयर बेबीज. फॉलो दिस पेज. एनिमल्स एंड देयर बेबीज. डॉग, पप्पी, कैट, किटेन, डक, डकलिन, हेन, चिक, काउ, काफ, रैबिट, बनी, शीप, लैम्ब, मंकी, इन्फेंट, बटरफ्लाई, कैटरपिलर, लायन, कब. डॉग के बेबी को क्या कहते हैं? पप्पी. कैट के बेबी को क्या कहते हैं? किटेन. डक के बेबी को क्या कहते हैं? डकलिंग. हेन के बेबी को क्या कहते हैं? चिक. काऊ के बेबी को क्या कहते हैं? काफ. रैबिट के बेबी को क्या कहते हैं? बनी. शीप के बेबी को क्या कहते हैं? लैम्ब. मंकी के बेबी को क्या कहते हैं? इन्फेंट. बटरफ्लाई के बेबी को क्या कहते हैं? कैटरपिलर. लायन के बेबी को क्या कहते हैं? कब. बच्चों, आप इसे पढ़ेंगे, रीडिंग लगाएंगे और इसे लर्न भी करेंगे. ओके.